माँ बाबूजी, अरे गुंजन, अरे माँ माँ, अरे क्या सब्जी वाले की तरह चिल्लाया जा रहा है? माँ बाप बहन को आलू प्याज समझता है क्या? नहीं माँ, मैं आपको आलू प्याज थोड़ी समझता हूँ, मैं तो आपको गोभी का फूल समझता हूँ। गोभी का फूल? क्या अपनी माँ को गोभी का फूल कहता है? नहीं माँ, गोभी का फूल नहीं, मैंने तो आपको गुलाब का फूल कहा है, गुलाब का फूल। अरे आपने गोभी का फूल सुना होगा, अरे मुझे लगता है आप शायद किचन में गोभी बना रही थी ना, इसीलिए आपने गोभी का फूल सुना। अरे माँ कितना काम करती हो, कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती आप? रखती हूँ बेटा, पर पता नहीं तेरे पिताजी कुछ दिनों के बाद उसे कैसी पट्टी पढ़ा देते हैं कि वो अपने आप को मालकिन और मुझे नौकरानी समझने लगती है, इसलिए उसे निकाल देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो वो नौकरानी तेरे बाप को अपना मर्द ना कहने लगे। माँ टेंशन मत लो, अगर वो ऐसा करेगी तो जिंदगी भर पछताएगी, जैसे आप पछता रही हो। बेटा तू बिल्कुल सच कह रहा है, जब से मेरी शादी हुई है तब से एक दिन भी चैन से नहीं सो पाई। अरे तुम एक दिन की बात करती हो, मैं तो एक पल भी चैन से नहीं जी पाया हूँ। क्या आपने कुछ कहा? कुछ नहीं। देखो मैं कह देती हूँ। माँ बाबूजी को कहने दो जो कहते हैं। देखो मैं आपके लिए क्या चीज लाया हूँ। अरे आज तक तेरा बाप तो मेरे लिए कुछ लाया नहीं, तो क्या लाया? नौकरानी। क्या तू तो कितना अच्छा है बेटा, आज तूने एक बेटे होने का फर्ज निभा दिया। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, कहीं वो नौकरानी तेरे बाप की साइज की तो नहीं है ना? नहीं माँ नहीं, वो तो मेरे साइज की है, मेरे साइज की। कहीं ऐसा तो नहीं उस नौकरानी को तुम मालकिन बनाने के, यानी कि बीवी बनाने के चक्कर में तो नहीं है? अरे नहीं माँ, बीवी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं उसे पहले से ही बीवी बना के लाया हूँ। क्या? लो एक और शहीद हो गया। क्या कहा? कुछ नहीं। तूने शादी कर ली? अरे मजबूरी थी माँ, उसका बाप अमरीश पुरी हमारे प्यार के बीच में आ गया था, वो उसका वो सेक्रेटरी है ना शक्ति कपूर, उसके साथ उसकी शादी कराने वाला था, वो तो मैंने आज ना कोर्ट में जाके कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन कोर्ट मैरिज में दहेज नहीं मिलता है ना? और मैं जहाँ शादी करा रही थी ना तेरी, वहाँ एडवांस में मुझे सोने का सेट मिलने वाला था। शादी बेटे की और सोने का सेट तुम्हें मिल रहा है? तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खानदान शादी नहीं सौदा कर रहा है? तुम चुप रहो जी, मैं तुम्हारे नहीं अपनी बेटे की शादी की बात कर रही हूँ। तुम शादी नहीं दहेज की बात कर रही हो, जरा सोचो अगर मैं अपनी शादी में तुम्हारे बाप से दहेज मांगता तो तुम पर क्या गुजरती? अरे मुझसे बड़ा क्या दहेज होगा तुम्हारे लिए, मेरे माँ बाप ने तुमको फूल जैसी बेटी जो सौंप दी है। फूल जैसी तो तुम तब थी और हाँ अब भी हो, मगर गोभी। क्या? तुम्हारी गोभी की सब्जी की खुशबू आ रही है। अरे तो खड़े खड़े यहाँ क्या कर रहे हो, जाकर किचन में देखो ना। ठीक है जाता हूँ। बेटा जी बाबूजी, अगर तुम्हारी माँ का ये रोने पीटने का आइटम सॉन्ग खत्म हो जाए ना तो बहू से मुझे भी मिला देना बेटा, आशीर्वाद देने के लिए। जी पिताजी। भैया भाभी कहाँ है? अरे वो रिक्शा वाले को पैसे दे रही है, मैं भी बुलाता हूँ। तुम अंदर जाओ, घर में पराई औरत आने वाली है। मैंने तो आज तक अपनी औरत को नहीं देखा, पराई को क्या देखूंगा।